नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? जय श्री कृष्णा। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी अनुस्वार परस्वर्ण संधि के विषय में, और आज हम बात करने वाले हैं परस्वर्ण संधि, या हम कहें जो लत्व संधि है, जो तोरली संधि है, उसके विषय में। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर, परस्वर्ण संधि या हम कहें लत्व संधि। तो इसका जो सूत्र है वो सूत्र क्या होगा? तो सूत्र की यदि हम बात करें तो इसका सूत्र होगा तोरली। क्या होगा दोस्तों? तोरली, ठीक है। यदि हम सूत्र के बाद में इस सूत्र का विश्लेषण देखें कि इस सूत्र का विश्लेषण क्या होगा, तो क्या होगा देखना। सूत्र का विश्लेषण होगा तोहु और एक है ली। तो हो ली, क्या है? तो हो ली। अब देखिए, तो का यहां पर अर्थ है तय वर्ग के बाद। तो का यहां पर क्या तात्पर्य होगा? तय वर्ग के बाद में। और ली का अर्थ है ले वर्ण हो तो, ले वर्ण हो तो उसे क्या हो जाएगा? परस्वर्ण लय हो जाता है। ये संधि है परस्वर्ण संधि, या हम कहें लत्व संधि। इसका सूत्र हमने देखा, सूत्र इसका होता है तोरली। इस सूत्र का जब हम विश्लेषण करेंगे तो होगा तो हो, जिसका तात्पर्य है तय वर्ग के बाद, और ली से तात्पर्य यहाँ पर है लय वर्ण हो तो। चलिए हम इस सूत्र की वृत्ति की बात करते हैं कि इसकी वृत्ति क्या होगी। तो इसकी वृत्ति होगी तय वर्ग से रकारे परे, तय वर्गस्य लकारे परे, तय वर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण है, पर सवर्ण है शात, पर सवर्ण है शात। आगे लिखें नश्यानुनासिको, 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 ठीक है। तय वर्ग से नकारे परे परस्वर्ण शात नकारस्य अनुनासिको, नकारस्य करो सॉरी, नकारस्य अनुनासिको लकारे, यहां पर ऐसे लिखते हैं, यहां नीचे लिख देते हैं नकारस्य अनुनासिको, नकारस्य अनुनासिको लकारे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा सूत्र तोरली, सूत्र का विश्लेषण किया तो हो ली, तो हो से तात्पर्य यहां पर तय वर्ग के बाद, और ली से तात्पर्य है यहां पर लय वर्ण हो तो। उसके बाद हमने वृत्ति देखी और वृत्ति हमने लिखी तय वर्ग से लकारे परे पर सवर्ण है शा, या नकारस्य अनुनासिको लकारे है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है कि तय वर्ग से, कि तय वर्ग के परे बाद में लकारे लय वर्ण हो तो हम क्या कर देते हैं? उनका परस्वर्ण आदेश कर देते हैं। नकारस्य अनुनासिको लकारे, नीचे लिखा है नकारस्य अनुनासिको लकारे, मतलब जो नकार है या हम कहें जो ने है, उस ने को हम क्या करेंगे? अनुनासिक लय कर देते हैं। क्या कर देंगे? अनुनासिक लय कर देते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो लिखें अर्थात, अर्थात, अर्थात तय वर्ग के परे, परे मतलब यहां पर है बाद में, तय वर्ग से परे लकारे लय वर्ण हो, लय वर्ण हो तो तय वर्ग मतलब तय थे दे धे, ठीक है, ने का हम क्या करेंगे? अनुनासिक लय। तय वर्ग से परे लय वर्ण हो तो तय वर्ग के
वर्णों के स्थान पर पश्वर्ण लय आदेश होता है ठीक है। पश्वर्ण क्या होगा, लय आदेश होता है तथा न के स्थान पर अनुनासिक न के स्थान पर अनुनासिक ले आदेश होता है ये हो गए इसकी डेफिनेशन। एक बार फिर से इसको देखने का प्रयास करें। हमने इसकी वृत्ति लिखी की तय वर्गस्य लकारे परे पर स्वर्ण है शात या नकारस्य अनुनासिको लकार है। इसका तात्पर्य यह होता है दोस्तों कि तय वर्ग से परे यदि लय वर्ण हो तो हम इन तय वर्ग के वर्णों के स्थान पर क्या कर देंगे, पर स्वर्ण लय आदेश कर देंगे और जो तय वर्ग का जो नय होता है उस नय के स्थान पर हम क्या कर देंगे, अनुनासिक लय आदेश होता है। क्या होता है, अनुनासिक लय आदेश होता है। चलिए इसे दूसरे तरीके से हम समझने का प्रयास करें तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखना, यदि हम इसे इस तरीके से समझने का प्रयास करें कि ते थे दे धे और ने, ये हो गया तय वर्ग। तय वर्ग के वर्ण आ गए ते थे दे धे ने। इनके बाद में कह रहा है यदि लय हो, इनके बाद में क्या हो, यदि लय हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो है इनका तो हम क्या कर देंगे, इनको तो हम किसमें बदल देंगे, लय में बदल देंगे। समझने की कोशिश करना, ते थे दे धे ने, इनके बाद में यदि लय वर्ण हो तो ये जो चार वर्ण है इनको तो हम इस लय में बदल देंगे और ये है जो ने है इसको हम अनुनासिक लय में बदल देंगे, इसको हम अनुनासिक लय में बदल देते हैं। समझ में आया, तय वर्ग के वर्ण के बाद यदि लय वर्ण हो तो तय थे दे धे इन चार को तो हम लय में बदलेंगे और जो ने है इस ने को हम अनुनासिक लय में बदल देते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करें। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, तद धन लीने है, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा है, तद में क्या आ रहा है, दे आ रहा है और दे के बाद में क्या आ रहा है, दे के बाद में क्या आ रहा है, लय वर्ण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दे को भी किस में बदल देंगे, लय में बदल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तल्लीन है, क्या बन जाएगा, तल्लीन है, क्या बन गया, तल्लीन है। इसी तरह मैं एक एग्जांपल लिखूं, उद्धन लास है, यहां पर भी दे आ रहा है और दे के बाद में लय वर्ण है तो इस दे का क्या हो जाएगा, लय हो जाएगा और ये बन जाएगा उल्लास है, क्या बन जाएगा, उल्लास है। इसी तरह यदि हम और एग्जांपल देखें तो देखिए अस्मिन धन लोके या ये देखिए उद्धन लेख है, ठीक है। यहां पर देखिए
उद्धन लेखे है, दे आ रहा है, दे के बाद में फिर से ले आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस दे को ले में बदल देंगे और ये बन जाएगा उल्लेख है। क्या बन जाएगा? उल्लेख है। इसी तरह देखिए तद धन ले है, तद धन ले है और ये बन जाएगा तल्ले है। क्या बन जाएगा दोस्तों? तल्ले है। ठीक है, इसी तरह यदि आप अन्य एग्जांपल की बात करेंगे तो एक एग्जांपल और है, विद्वान धन लिखती। क्या है? विद्वान धन लिखती। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, विद्वान धन लिखती। यहां पर देखिए ने आ रहा है और ने के बाद में क्या आ रहा है? ले आ रहा है। तो इस ने का क्या हो जाएगा? इस ने को हम किस में बदल देंगे? अनुनासिक ले में बदल देंगे, अनुनासिक ले में। तो ये क्या बनेगा दोस्तों? ये बन जाएगा विद्वान लिखती। क्या बन जाएगा? विद्वान लिखती। ठीक है, इसी तरह यदि हम और एग्जांपल देखें तो देखिए उद्धन लिखितम, उद्धन लिखितम, दे आ रहा है, दे के बाद फिर से दे आ रहा है, तो यहां इस दे का भी क्या हो जाएगा? ले, और ये बन जाएगा उल्लिखितम। क्या बन जाएगा? उल्लिखितम। ठीक है, इसी तरह यदि और सॉरी ये बन जाएगा उल्लिखितम। ठीक है, ये था हमने आज बात की तोरली जो सूत्र है उसके विषय में। यदि आप और भी इसके एग्जांपल देखना चाहें तो देख सकते हैं। एक एग्जांपल चलिए नए का हम और देखें, महान धन लाभ है, महान धन लाभ है। इधर देख लेते हैं, महान धन लाभ है, लाभ है। यहां पर इस नए के बाद में ले आ रहा है तो इस नए का क्या कर देंगे? अनुनासिक ले कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? महा लाभ है, महान लाभ है। ठीक है, ये था आज हमारी पर्सवर्ण संधि या हम कहें लप संधि। ठीक है, एक बार फिर से देखिए दोस्तों, आज हमने बात की है पर्सवर्ण संधि या हम कहें लत्व संधि के विषय में। सूत्र हमने देखा तोरली, फिर उसके बाद हमने सूत्र का विश्लेषण किया तो से तात्पर्य यहाँ पर है तय वर्ग के, ली से यहाँ तात्पर्य है लकार वर्ण हो तो। जब हमने इस सूत्र की वृत्ति की तो वृत्ति हमने जानी तय वर्ग से लकारे परे पर्सवर्ण शात या नकारस्य अनुनासिको लकार है। कहने का तात्पर्य है कि यदि तय वर्ण के वर्ण के बाद यदि लय वर्ण हो तो हम क्या करेंगे? इस तय थे दे धे इनके स्थान पर तो लय आदेश कर देते हैं पर्सवर्ण, और इस ने के स्थान पर अनुनासिक ले आदेश कर देते हैं। इसके बाद में इसके हमने कुछ एग्जांपल देखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये संधि समझ में आई होगी। फिर भी इससे संबंधित यदि आपको कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, आपके क्वेश्चन का जवाब अगली क्लास में जरूर दिया जाएगा। जय श्री शाह।